चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के प्रमुख किरदारों में शुमार है। अगले साल 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 88 बरस के हो जाएंगे। जीवन के 87 बसंत देख चुके चौटाला इस उम्र में भी पूरी तरह से सियासी तौर पर सक्रिय नजर आते हैं। वहीं पुराने तेवर और अंदाज बरकरार है। खास बात यह है कि इस साल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर फतेहाबाद में हुई रैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक कौशल का एक बार फिर से परिचय दिया। इस रैली में तीसरे मोर्चे के पैरोकार रहे शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, माकपा नेता सीताराम येचुरी, डॉ केसी त्यागी सहित कई नेताओं ने शिरकत की थी। खैर, ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में भी सुबह से रात तक राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मशरूफ रहते हैं। उनकी इस सक्रियता और सेहत का राज साधारण भोजन व हर रोज सैर के अलावा व्यायाम करना है। ओम प्रकाश चौटाला की दिनचर्या बड़ी ही साधारण है और वे पूरे दिन में करीब 2 से 3 ही चपाती खाते हैं। खास बात यह है कि हर रोज सुबह और शाम के वक्त सैर करते हैं। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद वे गर्म पानी पीते हैं, सुबह करीब 2 किलोमीटर सैर अवश्य करते हैं। इसके बाद योगा और प्राणायाम करते हैं। कसरत करने के दौरान ही वे 1 गिलास नारियल पानी पी लेते हैं। इसके बाद नाश्ते में वे अक्सर भीगे हुए बादाम के अलावा अखरोट, पिस्ता और फल खाते हैं। फलों में भी पपीता, कीवी और ड्रैगन फ्रूट नियमित रूप से लेते हैं। नाश्ता करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला हर रोज अखबार पढ़ते हैं। वह नियमित रूप से पंजाब केसरी के पढ़ते हैं और पंजाब केसरी में प्रकाशित होने वाला हंसगुल्ले कॉलम उन्हें बेहद पसंद है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और अपनी पारिवारिक सदस्यों के साथ भी बातचीत करते हैं। दोपहर के समय एक मिस्सी रोटी खाने के बाद वे करीब 45 मिनट तक आराम फरमाते हैं। उठने के बाद फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। अगर राजनीतिक रूप से कहीं कोई कार्यक्रम हो तो वहां व्यस्त रहते हैं। अगर घर पर होते हैं तो वे नियमित रूप से लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहते हैं। करीब 10 वर्ष से ओम प्रकाश चौटाला के निजी सेवक के रूप में काम कर रहे अनिल फौजी की माने तो ओम प्रकाश चौटाला सुबह के समय कई बार दाढ़ी करवाने के अलावा मालिश भी करवाते हैं और वे हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। उनकी शाम की दिनचर्या की बात करें तो शाम को भी ओम प्रकाश चौटाला करीब 2 किलोमीटर सैर करते हैं और इसके बाद वे रात के समय हल्का भोजन लेते हैं। खास बात यह है कि ओम प्रकाश चौटाला को रात के समय दूध के अलावा मैंगो शेक पीना काफी पसंद है। आम के बेमौसम में भी मैंगो शेक नियमित रूप से पीते हैं और यही वजह है कि बेमौसम में भी उनके लिए विशेष रूप से आम मंगवाए जाते हैं। जाहिर है कि सादा भोजन, सुबह और शाम की सैर और नियमित रूप से प्राणायाम और व्यायाम करने के अलावा ओम प्रकाश चौटाला 88 वर्ष की उम्र में भी सियासी रूप से पूरी तरह से सक्रिय है और उनका राजनीतिक तेवर और कलेवर वही पहले जैसा है। आज भी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हुए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहते हैं। तीसरे मोर्चे की पहल को लेकर उन्होंने 25 सितंबर को फतेहाबाद में हुई रैली में कई बड़े नेताओं को एक मंच पर आकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया।